उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक कर्मचारी को सिर्फ एक रुपए की वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को मरीजों से एक रुपया अतिरिक्त वसूलने के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को शिकायत मिली थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट एक रुपए के बजाय दो रुपए के पर्चे ले रहा है। इसकी जांच करने के लिए भाजपा विधायक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भ्रष्टाचार देखकर वो भड़क गए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और एक संविदा कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करवा दिया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फार्मासिस्ट की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा नियुक्त एक संविदा कर्मचारी था। अधिक पैसे लेने वाले इस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सिसुआ से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल की द्वारा की गई इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पटेल को फार्मासिस्ट से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि गरीब मरीजों से एक रुपया अधिक वसूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं खुद एक गांव से आता हूं और समझता हूं कि गरीबी और लाचारी कैसी होती है, इसलिए आपको मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, मैं यह जानता हूं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को मरीजों से एक रुपया अतिरिक्त वसूलने के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल को शिकायत मिली थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट एक रुपए के बजाय दो रुपए पर्चे पर ले रहा है। इसकी जांच करने के लिए भाजपा विधायक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भ्रष्टाचार देखकर वे भड़क गए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और एक संविदा कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करवा दिया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फार्मासिस्ट की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा नियुक्त एक संविदा कर्मचारी था। अधिक पैसे लेने वाले इस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। सिसवा से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल द्वारा की गई इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पटेल को फार्मासिस्ट से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि गरीब मरीजों से एक रुपया अधिक वसूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं खुद एक गांव से आता हूं और समझता हूं कि गरीबी और लाचारी कैसी होती है, इसलिए आपको मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा था, मैं यह जानता हूं। एक रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौ सदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूं, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया बसवार, रामानंद बसवार, इनका 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 मुझे, आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है, तुरंत भगाइए इसको इस क्रम से, दूसरे को लगाओ बीपी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर बड़ा दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं होगा? तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। क्या नाम है? तो हीरामन नाम है, तुरे मेहरारू का नाम कविता है। अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गाँव के हैं, हम गरीबी से आए, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है, हमको मत चलाओ न पढ़ाओ। मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो, अब तो ये साबित हो गया। ये पैसा लेता है 200 रुपया, 50 रुपया तुमको देता होगा। जो हमारी देख लो नाक के सामने, ये भ्रष्टाचार सुनो पहले, हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, एक रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। बाहर क्यों भेजती हो,
यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर, क्यों लिखती हो रेफर, लिखो कारण। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है, मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है। तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग, तमाशा मचा रखे हो यहाँ इसलिए में आप लोग। कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एड एक महीने के साथ एक महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, एड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।